संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद्दावा के प्रमुख हाफिज सईद का नाम प्रतिबंधित सूची से हटाने से इनकार कर दिया है। सईद ने 2017 में लाहौर स्थित ला फर्म मिर्जा के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के साथ एक अपील दायर की थी और पाबंदी खत्म करने की गुहार लगाई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तरह के सभी अनुरोधों की जांच करने के लिए नियुक्त स्वतंत्र लोकपाल ने सईद के वकील को सूचित किया है कि उनके अनुरोध की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आतंकियों की सूची में सईद का नाम रहेगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित हाफिज सईद पर 10 दिसंबर 2008 को पाबंदी लगाई गई थी। मुंबई हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे प्रतिबंधित किया था। इस मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए थे। हाफिज सईद पर यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति को पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का नया अनुरोध प्राप्त हुआ है। भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उन देशों ने भी सईद के अनुरोध का विरोध किया जिन्होंने मूल रूप से उसे प्रतिबंध सूची में डाला था। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र में जैश ए मोहम्मद प्रमुख अजहर को प्रतिबंधित घोषित करने की नए सिरे से कोशिश की थी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने खुद कबूल किया है कि अजहर पाकिस्तान में रह रहा है। जैश पहले से संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। इसके अलावा हाफिज सईद को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार हाफिज सईद के संगठन जमात उद्दावा और फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन की मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रांतीय सरकार ने यह कार्यवाही नेशनल एक्शन प्लान पर हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में हुए फैसले के बाद की है। इसमें सभी प्रतिबंधित संगठनों की संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए गए थे। वहीं लाहौर स्थित मरकज अल कदसिया मस्जिद को भी अपने कब्जे में लिया गया है। आपको बता दें कि लाहौर की इसी मस्जिद से ही हाफिज सईद अपने फरमान जारी किया करता था। पाकिस्तान के वित्त सचिव आरिफ अहमद खान ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर पाकिस्तान प्रतिबंधित संगठनों पर कार्यवाही में तेजी नहीं लाता है तो उसे आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया भर में आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाले संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को 10 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत कार्यवाही करने के लिए जून 2019 तक का समय दिया है। जून 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाकिस्तान को आतंकी फंडिंग रोकने की दिशा में की गई कार्यवाही के सबूत देने हैं। पाकिस्तान का नाम पहले से ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में शामिल है। अगर पाकिस्तान सरकार जून 2019 की बैठक तक संतोषजनक कार्यवाही नहीं करती है तो सितंबर 2019 में उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना तय हो जाएगा। अब ऐसे में पाकिस्तान चारों दिशाओं से घिर चुका है। अब पाकिस्तान को डर सताने लगा है। अगर अब भी पाकिस्तान ने वहां बैठे आतंकियों पर कड़ी कार्यवाही ना की तो इसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है।